नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। आज सरकार ने वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने वाले कानून में संशोधन से जुड़ा हुआ विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इसे लेकर देश में एक बार फिर से हंगामा और सियासत बरपी है। संसद से सड़क तक संग्राम की धमकियां शुरू हो चुकी हैं। हिंदू मुस्लिम एंगल निकालकर लोगों को भड़काया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, मुसलमानों को वक्फ बिल से डरने की जरूरत महसूस करवाई जा रही है। क्या फिर से शाहीन बाग की तरह आंदोलन की तैयारी है? विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का जबरदस्त विरोध किया और यह कहा कि संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है ये। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल लाने पर इसे सरकार को मुस्लिमों का दुश्मन बताया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से समर्थन की गुहार लगाई है और रिजिजू ने आज संसद में कहा कि करोड़ों लोगों की दुआ आपको मिलेगी। चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा है और आम मुस्लिम लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए ये बिल लाया गया है और ये इतिहास में दर्ज होगा कि कौन इस बिल के समर्थन में और कौन इसके विरोध में खड़ा हुआ नजर आया है। इस मामले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आज देखने को मिली। क्या कहा किरण रिजिजू ने और विपक्ष कैसे इस पर कर रहा है काउंटर अटैक, पहले सुनिएगा। हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप सर इसमें प्रावधान देखिए, इस 1995 का वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानून को ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट था सर। क्या ऐसा कानून हमारे देश में होना चाहिए? ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से यह मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहां उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरु भाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क? जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? वक्फ बाय यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर, भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रवीन साहब नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे आप? मेरे पास तो मंत्र शंतर नहीं है कि 200 साल पुराने के मरने वालों के रूहों को बुलाकर मंत्री जी के पास ले जाओ कि देखो ये रूह है और ये कह रही कि वक्फ है, ये क्या बात कर रहे हैं? तो ये लेजिस्लेशन नहीं है वक्फ को बुलडोज करके खत्म करने का, मुसलमान ज्यादा तो लूटने का है। तो आपने सुना किस तरीके से विपक्ष की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही हैं जैसे ही अमेंडमेंट बिल रखा गया है। लेकिन इसके साथ कुछ सवाल है क्योंकि सियासत इस पर सिफर हो उठी है। सवाल ये कि क्या वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है जिस तरीके से बताया जा रहा है? क्या ये बिल धार्मिक आजादी पर हमला है? क्या बिल के नाम पर विपक्ष मुसलमानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है? क्या सरकार बिना तैयारी के वक्फ बिल को लेकर आई है? और ये वक्फ बोर्ड जो बिल आया है वो कैसे मुसलमान विरोधी है, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जुलानी हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद जुड़ जाएंगे। कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम इस वक्त हमारे साथ हैं। आदिल हसन है, AIMIM के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट हर्ष दाहिया इस चर्चा का हिस्सा है और स्टूडियो में इस्लामिक स्कॉलर हाफिज गुलाम सरवर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सबके लिए एक मिनट का टाइमर शुरुआत के ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए रहेगा और इसके बाद इस डिबेट को ओपन किया जाएगा। सबसे पहले मोहम्मद आजम साहब आप ही के साथ शुरुआत करती हूं क्योंकि इसको लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है और यह कहा जा रहा है कि एनक्रोचमेंट है एक तरीके का, एक धर्म पर हमला है यह एक तरीके का, उनकी आजादी उनके अधिकार छीनने का तरीका है यह अमेंडमेंट बिल। लेकिन सरकार के इसमें अपने तर्क हैं, क्यों समाजवादी पार्टी को यह अमेंडमेंट बिल मुस्लिम विरोधी नजर आता है?
जी पूर्णिमा जी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं मुस्लिम समाज को, उसका कहीं ना कहीं वायलेशन कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 25 और 26 में इस बात का बाकायदा जिक्र है कि मुसलमान अपनी प्रॉपर्टीज का जो उनकी है उसका वो खुद मैनेजमेंट कर सकता है और अपने इंस्टीट्यूशन चला सकता है। तो क्या जो संविधान निर्माता थे उन्हें यकीनन इस बात का एहसास रहा होगा कि वो कौन सा पावर भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं सरकार ने मुस्लिम समाज को अपने उसमें कोशिश नहीं करी कि उनके साथ चर्चा करी जाए और इस बिल में जो जरूरत अगर है वो वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह के सुधार की जरूरत है उसे मुस्लिम समाज से चर्चा करनी चाहिए थे, मौलाना हजरत से चर्चा। जल्दी से काउंटर क्वेश्चन, जल्दी से काउंटर क्वेश्चन आजम साहब, इस बात से तो तसल्ली होगी ना कि अब जेपीसी के पास जाएगा और जेपीसी के पास जाएगा तो उसमें आपकी पार्टी का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो कोई भी अगर दिक्कत है आपको इससे तो आप उसको रख पाएंगे सामने, इस बात की तसल्ली है आपको कि नहीं है? बिल्कुल, ज्वाइंट पार्लियामेंट, बिल्कुल ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी हम लोगों की मांग थी कि भाई अगर एटलीस्ट आप वो नहीं वापस नहीं लेते हैं तो सेलेक्ट कमेटी, स्टैंडर्ड कमेटी या जीपीसी को दिया जाए, तो जीपीसी को जाना ठीक है, उसमें चर्चा होगी और सरकार को लगेगा कि हाँ ये चीजें गलत है, सरकार उसे वापस लेगी, हमें इस बात की पूरी उम्मीद है। ठीक है, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, एक मिनट के लिए आना चाहूंगी चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास और प्रभात रंजन भी, जेडीयू के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात जी आपका भी स्वागत करती हूँ, चंद्रमोहन जी आपके पास आते हैं क्विकली, एक मिनट का समय रहेगा। ये बताइए कि सरकार कह रही है कि हमने तो सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें थी उसी को लागू किया, क्या आप मानते हैं कि सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें थी वो भी मुस्लिम विरोधी थी, जैसा कि इस बिल को लेकर, इस अमेंडमेंट को लेकर आप लोग कह रहे हैं? देखिए, पहले तो सरकार को स्पष्टता देनी पड़ेगी, अगर सच्चर कमेटी के लिए किया गया था तो फिर इनको इनकी सफाई गोरी देने की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? और अनुच्छेद 14, 15 और 25 के अनुसार संविधान के अंदर जो सिद्धांत उसके अंदर है उसकी परिभाषित के ऊपर अलग परिप्रेक्ष्य क्यों जाना पड़ गया और क्यों भारत की नीति के अंदर फूट डालने की जरूरत भाजपा को पड़ जाती है? वो हर बार एक धार्मिक अनुच्छेद और एक धार्मिक प्रतिबंध पर दो धर्मों को आपस में भिड़ाने की कोशिश क्यों करती है? क्यों सत्ता की कुर्सी की लालच के अंदर वो बार बार धर्म की राजनीति को सामने ले आती है? ठीक है, आदिल हसन साहब आपके पास आते हैं और एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपको लूंगी। आदिल हसन साहब, इतनी ओवैसी साहब को इससे समस्या क्या है? सरकार जब ये कहती है कि जिनको न्याय नहीं मिला हम उनके न्याय, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लड़ने के लिए ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात सर, ये तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा ना कि आपकी कहीं पर जमीन है और अचानक से आकर कोई उस पर अपना दावा ठोक दे कहते हुए कि अरे रुको, ये तो वक्फ की जमीन है और हम इसको ले भी सकते हैं और उसके बाद जो हमें इस जमीन का करना है हम वो भी करेंगे, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि वक्फ की जमीनों के साथ हुआ क्या है। मैम, जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड है, वो एक तरह का स्टेट सरकार का अंग होता है, जरूर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है लेकिन वो सरकार का अंग होता है, उसके सीईओ सरकार अपॉइंट करता है, उसके चेयरमैन का इलेक्शन होता है, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। लेकिन आप किसी इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती इसमें मदाखलत कर रहे हैं। उसमें आप बतलाइए, हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है, बुद्ध इंडोनमेंट बोर्ड है, सिख इंडोनमेंट बोर्ड है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। आप गौतम बुद्ध बोधगया में, गौतम बुद्ध जहां पे एनलाइनमेंट हुआ था उनका, लॉर्ड बुद्धा का वो जो बोर्ड है उसमें कोई मुस्लिम नहीं रह सकता है। वहां अगर डीएम वहां का मुस्लिम है तो वहां नहीं रह सकता, नॉन मुस्लिम होगा। ये हर धर्मों का अपना नियम है, आप जबरदस्ती किसको ला रहे हैं? आप जो ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन जज होता है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है, उसके पावर पर आप रिटायर्ड जज को ला रहे हैं। अरे भाई, जो चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज को, उसको आप क्यों नहीं मान रहे? और आप डीएम ओवरबर्डन रहते हैं, डीएम सरकार का, डीएम जो भी रहता है सरकार का पिछलग्गू रहेगा। ठीक है, पिछलग्गू रहेगा या बिजी रहता है, ये दोनों में अलग अलग बातें हैं। ठीक है, आदिल हसन साहब, एक मिनट आपका पूरा हो गया, फिर इसके बाद आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा, मैं आती हूँ आपके पास। प्रभात रंजन जी, जल्दी से एक टेक आपसे लेते हुए, ये मुझे बताइए कि किसी और धर्म के पास, आदिल हुसैन साहब भी अभी अभी उसका जिक्र कर रहे थे, ऐसी कोई बॉडी होती है क्या? किसी और धर्म के पास ऐसी कोई बॉडी होती है क्या? ऐसी कोई असीमित शक्तियां होती है क्या जैसे कि वक्फ बोर्ड के पास है? और वक्फ बोर्ड एक बॉडी है ना, उस बॉडी में क्या सरकार को इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है? देखिए, जो भी बॉडी संविधान के द्वारा
जिसका गठन ही किया गया है उस पे संशोधन करने का अधिकार सरकार के पास ही होता है। वह लोकसभा के माध्यम से राज्यसभा के माध्यम से विधेयक पारित करके उस पे नियम बनाती है, और यह पहली बार कोई संशोधन नहीं हो रहा है बोर्ड में। आप कई बार देखे होंगे 1954 में इसका गठन किया और पहला संशोधन 1955 में ही हुआ, 1993 में भी हुआ, 1995 में भी हुआ और 2013 में भी इसमें संशोधन हुआ है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वक्फ बोर्ड को बहुत सारी सरकारी जमीन मुहैया कराई जाती है, कहा जाता है कि इसके द्वारा इससे हुई हुई आय को आप गरीब छात्रों के बीच में छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान करेंगे, गरीब लोगों को आप उससे रोजगार देंगे, महिलाओं को इससे आप लाभ देंगे। लेकिन कई एक बार बहुत सारी शिकायतें आती है और कई सारी सिफारिशें इसके विरोध में भी की गई है। अभी आप देखेंगे तो 70 कमेटी का भी यह रिपोर्ट था कि बोर्ड का गठन किया गया इसमें बहुत सारी अनियमितता पाई जा रही है। अच्छा सर का एक बार ऑडियो जरा करेक्ट करेंगे, ट्रिब्यूनल का भी गठन किया। प्रभात जी आपका ऑडियो में एक बार करेक्ट करवाती हूँ, आपका एक मिनट का टाइम लिमिट भी खत्म हो गया। मेरी ऑडियो मुझे बाउंस बैक कर रही है और आपकी भी ऑडियो डबल आ रही है। मैं लौटती हूँ एक बार, और आदिल हसन साहब इस पर काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हाफिज गुलाम सरवर आपके पास आते हैं, फिर हर्ष दया आपके पास आऊंगी। हाफिज गुलाम सरवर साहब मुझे ये बताइए कि एक बार फिर से मुस्लिमों को डराने की कि तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तुम्हें एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है, ये सब कुछ प्रोपोगंडा फिर से क्यों? और दूसरी साफ बात, वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड में अंदर खाने क्या कुछ हुआ, कितने विवादित केसेस हैं, किस तरीके से वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों ने अपने अधिकारों का मिसयूज किया, ये सब तो आपको पता ही होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर संशोधन करने की जरूरत सरकार को लगती है जो पहले भी हुए हैं, तो इसमें मुसलमानों को डरने की क्या जरूरत है? नहीं, मुसलमान तो कहीं डर ही नहीं रहा। सवाल यहां जो है वो मैं कहता हूं कि भारत में इससे बेहतर और क्या होगा कि जेपीसी के हवाले कर दिया जी। अब इससे ज्यादा सरकार कैसी पारदर्शी सरकार आपको चाहिए? कौन सा बिल चाहिए? जेपीसी में तो सभी दल के लोग रहेंगे। हाँ। तो संयुक्त संसदीय समिति स्वयं तय कर लेगी। उसमें हमको लगता है कि जो लोग अभी सड़क पर इधर उधर की बात कर रहे हैं वो तो मौजूद होंगे। वक्फ बोर्ड 75 वर्षों में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है कि मुसलमान दलितों से बदतर है, आप दिखा रहे हैं कि सेना और रेलवे के बाद आपके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, तो क्यों हमारे हाथ में कटोरा है? ये सवाल हम मोदी जी से क्यों पूछेंगे? जो इससे पहले की सरकारें या फिर मुसलमानों के रहनुमा, हम उनसे पूछते हैं कि हमारे हाथ में कटोरा क्यों है? सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप मोदी जी से सवाल करते रहिए। ये मसला, ये लोग सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स, ये गलत वो गलत, सड़क पे उतर जाऊंगा। अरे भाई आपके पास कोई ड्राफ्ट है तो पेश कीजिए ना कि आप कैसा चाहते हैं, या यही लूट खसोट चाहते हैं तो बोल दीजिए कि लूट खसोट होने दीजिए। नहीं बोलिए, आपके लिए मैंने टाइम लिमिट नहीं रखा। नहीं, ये अब तक वक्फ बोर्ड के सारे कारनामे जो मुल्क के सामने हैं, जितनी जमीनें वीआईपी जमीनें हैं, या तो वक्फ बोर्ड से जुड़े मुस्लिम लीडरों ने, या मुस्लिम संगठन के रहनुमाओं ने, या उस दल के नॉन मुस्लिम लीडरों ने उस पर कब्जा कर रखा है। समय समय पर कांग्रेस की, सपा की और संयुक्त मोर्चा की, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की या जेडीयू की हमारे प्रवक्ता बैठे हुए, जिनकी भी सरकार है रही, उनके विधायक चेयरमैन होते हैं, और उनके विधायक जब चेयरमैन होते हैं तो चेयरमैन जो लूटता है तो अकेला नहीं लूटता, वो उस दल के कई दिग्गज नेता उससे मिल जाते हैं और मिलकर सब लूट रहे हैं संपत्ति। आज हालत यह है, लोग सच बोलने से कतरा रहे हैं कि दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं, दिल्ली वक्फ बोर्ड, जरा बोर्ड पर फिर से एक बार दिखा दीजिए स्क्रीन पर, वो स्पेलिंग तक गलत लिखा हुआ, ये बोर्ड पेंट नहीं करा सके, WAKF लिख दिया इन्होंने, जबकि क्यू से होगा, दिल्ली वाले बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए ये WAKF बिल्कुल रॉन्ग स्पेलिंग है, जिनको इतनी फुर्सत नहीं कि बोर्ड बना ले। 8 महीने इमाम को तनख्वाह नहीं मिली, यहाँ इमाम धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं। क्यों भैया, आपका कलेक्शन कहाँ रुक गया? ये जो करोड़ों का कलेक्शन है, किराए आ रहे हैं तमाम जगहों से, सब चीज आ रहे हैं, ये हो क्या रहा? ठीक है, ठीक है, आदिल साहब जल्दी से अपना काउंटर रख लीजिए, फिर हर्ष जी आपके पास आऊंगी, और साथ ही हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी भी बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले आदिल साहब अपना काउंटर रखेंगे क्विकली। जदयू के प्रवक्ता बैठे हुए, जदयू इस बिल का समर्थन किया बिहार में। हाँ।
हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है, हिंदू न्यास बोर्ड और वक्फ बोर्ड है। आप नीतीश कुमार जी का पक्षपात देखिए कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को राजमंत्री का दर्जा नहीं मिला है। नहीं, पक्षपात आपके सामने जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं साहब, आदिल साहब, आपके सामने जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं वो तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते ना। नहीं नहीं, मैं तो उनका जिक्र कर रही हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि सबसे ज्यादा रहनुमा आदिल साहब, जब सबसे बड़े रहनुमा आप मुसलमानों के बनते हैं, मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कहती हूँ कि आप बताते हैं कि आपको सबसे ज्यादा चिंता है मुसलमानों की, समाजवादी पार्टी कहती है कि नहीं हमें ज्यादा चिंता है, फिर कांग्रेस आ जाती है चलती हुई कहती है नहीं हमने हमेशा ध्यान रखा है, हमें सबसे ज्यादा चिंता है, लेकिन खुद हाफिज गुलाम सरवर यहां पर कह रहे हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं इससे, तो प्रोपेगेंडा क्यों सर? निमा जी बोलने दीजिएगा, मेरा कहना है एंटीलिया जो बना है मुकेश अंबानी का घर, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी में है, और जितने लाखों करोड़ों की जायदाद वक्फ की इंक्रोचमेंट है, मोदी सरकार अनिल भाई चेयरमैन के मिली भगत से हुआ है, यही तो मैं कह रहा हूँ, असेंबली में उठाया है। मौलाना ने सही बात कही, इंक्रोचमेंट मेरा हटा दीजिए, हम लोग किसी का पैसा नहीं चाहेंगे, वक्फ बोर्ड खुद सफिशिएंट है, अगर कोई गलत किया जेल भेजिए ना भाई, 10 साल में किसी को जेल क्यों नहीं भेजा है मोदी सरकार? सरकार आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपकी इनकम टैक्स, आपका हर कुछ, आपका ये जो आप सवाल को थोड़ा सा पलटिए, ट्रिब्यूनल आपका, चेयरमैन आपका, मेंबर आपका, सारे मुसलमान हैं, ये कौन से बेईमान मुसलमान थे कि हर सरकार को हमेशा अमेंडमेंट की जरूरत पड़ गई और जो सवाल वही के वही खड़े रह गए? और सबसे बड़ी बात गुलाम सरवर साहब, सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटी नहीं पूरी मारी, सबसे बड़ी बात, अस्पताल नहीं पूरे भारत में वक्फ बोर्ड का, बताइए वक्फ बोर्ड का, सबसे बड़ी बात ये कि इस्लाम में हराम है ये सब कुछ, बिल्कुल हराम है, सबसे बड़ी बात कि ये सब कुछ इस्लाम में हराम है और उसके बावजूद हो रहा है, तो कैसे आपकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है, तब आपकी आंखें नहीं खुली? मैम जेल भेजिए, नहीं जेल किया, जेल सारे चेयरमैन के, नहीं आप क्या करेंगे, जांच होनी चाहिए, आप क्या करेंगे, सिर्फ बोलते रहेंगे? हमने तो असेंबली में भी उठाया, हम तो सरकार में नहीं है ना मैडम, अच्छा हम तो सरकार में नहीं, ठीक है, तो जो सरकार में है मैं उससे पूछ लेती हूँ, जो सरकार में है फिर मैं उससे पूछ लेती हूँ। प्रमोद स्वामी जी आपके पास आते हुए बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जो आप मिस कर चुके हैं, जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से या AIMIM की तरफ से रखा गया, लेकिन आपको पता है कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझाइए कि ये क्यों कह रहे हैं कि आप लोगों की तो आदत हो गई है मुसलमानों को परेशान करने की, आप चाहते हैं कि मुसलमान डर कर रहे और उनके अधिकारों पर, उनकी स्वायत्तता पर, उनकी संस्थाओं पर आप सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, आपके कंट्रोल में रहे ये सब कुछ, यही आपकी मंशा है? देखिए इस पे वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, सच्चर कमेटी, और उसमें हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस राजेंद्र सच्चर जी थे और 6 मेंबर थे और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, और उस सुझाव में उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उससे अभी जो आमदनी होती है वो 163 करोड़ होती है, और अगर इसे इसको सही तरीके से मैनेज किया जाए तो 12,000 करोड़ से ज्यादा इसकी आमदनी हो सकती है। तो जो सच्चर कमेटी ने जो सुझाव दिए थे उसी सुझाव के अनुसार इसमें संशोधन किए गए हैं, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि बोर्ड में महिला सदस्यों को जगह दी जाए, और इसमें कहा गया कि बोर्ड में महिला और बच्चों को जगह मिलनी चाहिए। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो हमने नहीं बनाई थी, वो तो कांग्रेस के समय में ही बनी थी। हाँ, तो कांग्रेस के समय में सच्चर कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अगर इसमें कुछ सुधार हो रहे हैं, कुछ संशोधन हो रहे हैं जिससे कि अल्पसंख्यक समुदाय के भले के लिए हो रहे हैं, तो उसमें भी अपने सुझाव देने चाहिए और सुझाव आपके पास आते हुए, क्योंकि जो अचल संपत्ति है, मैं ऑन रिकॉर्ड संपत्ति की वक्फ की बात करती हूँ सर, जो कि 9 लाख एकड़ से ज्यादा की है,
इनकी इनकम जो जनरेट होती है वो 200 करोड़ से कम की होती है, मुझे करेक्ट करिएगा अगर हाफिज गुलाम सरवर मैं गलत हूँ किसी भी तरीके से, तो 200 करोड़ से कम की इनकी इनकम है, 9 लाख एकड़ से ज़्यादा की इनकी ज़मीन है, कैसे हो सकता है? पैसा कहाँ जाता है? 9 लाख एकड़ की जमीन से आपको सिर्फ 200 करोड़ की कमाई होती है? दूसरा, जो इनकी अचल संपत्ति है उसमें आंतरिक तौर पर जो मुकदमेबाजी चल रही है वो 5371 मामलों पर चल रही है, जो बाहरी मुकदमेबाजी है वो 7831 मामलों पर चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं तो घपला हो रहा है ना, और अगर उसकी मॉनिटरिंग की जाती है तो फिर इसमें समस्या कैसी? फिर ये एक धर्म पर हमला कैसे? क्या ये किसी तरीके का इंक्रोचमेंट सरकार का आपको नजर आता है इस संस्था की स्वायत्तता पर? पूर्णिमा जी, मैं इसमें दो बातें कहना चाहूंगा। मैं सर छोटू राम का फॉलोवर हूं, जो हिंदुओं के क्या कहते हैं दीन बंधु थे और मुसलमानों के रहबरे आजम थे। उन्होंने ये कहा था कि इस देश का हिंदू मुसलमान अलग नहीं है। मैं भी उसी तरीके से सारे मुद्दों को देखता हूँ, जो भी मुसलमान, चाहे हिंदुस्तान का हुआ, चाहे पाकिस्तान का हुआ, बांग्लादेश का हुआ, कोई वो बाहर से आया हुआ नहीं है, वो हमारे ही भाई हैं, हमारा ही डीएनए सबका एक है। तो पहले तो इसको हिंदू मुसलमान का मामला बनाना ही नहीं चाहिए, इसको क्या किसी भी मामले को, ये सब हमारे भाई हैं जिनकी पूजा पद्धति बदली है। अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि जो हमारे मुसलमान भाई है बस उनकी पूजा पद्धति बदली है, बट डीएनए तो हमारा ही है। वो सब आज मैं हिंदू हूं, हो सकता है मुसलमान हो सकते थे, हो सकता है सिख हो सकते थे, हो सकता है ईसाई हो सकते थे, हम सबको एक दूसरे को हिंदुस्तानी के तौर पे देखना होगा, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक तौर पे देखना होगा। और दूसरी बात रही, देखिए कोई भी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो गया, चाहे मुसलमान मुस्लिम धर्म हो गया, इस्लाम हो गया, चाहे क्रिश्चियनिटी हो गई, कोई भी स्टेट से बड़ा नहीं हो सकता। स्टेट की निगरानी हर किसी के किसी भी एंडाउमेंट बोर्ड पे जरूरी है। कोई भी प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं है जिनको बिना ओवरलुक किसी भी संस्था को एंडाउ कर दिया जाए। और आप ये देखिए, जैसा आपने कहा, मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से जो वक्फ बोर्ड है वो देश का थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है, रेलवेज के बाद, आर्मी के बाद थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डिंग इनके पास है। फिर भी हमारे देश के मुसलमान की हालत इतनी पिछड़ी हुई क्यों है? जो सरवर साहब ने भी कहा कि देखिए, जब हम इतने बड़े लैंड ओनर हैं वक्फ बोर्ड में, तो देश का मुसलमान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? और बिल्कुल ओवरलुकिंग की जरूरत है कि क्या कोई संपत्ति सही तरीके से उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या जो संपत्ति उनके पास आई है वो सही तरीके से एंडाउ की गई या नहीं की गई। तो बिल्कुल स्टेट का ओवरलुकिंग बहुत जरूरी है। स्टेट का हर धर्म से बड़ा हमारा देश नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पहली बार थोड़ी इसमें संशोधन हो रहा है, इससे इसमें संशोधन पहले भी हो चुके हैं। संशोधन मोदी जी ने क्यों किया? मतलब अगर मैं इसको एक सेंटेंस में कहूँ, अगर मैं इसको एक सेंटेंस में कहूँ, मोहम्मद आजम साहब, आपको बिल से समस्या नहीं है, बिल लाने वाले से समस्या है कि ये बिल कैसे लेकर आ गए। असली समस्या तो इस बात की है आजम साहब। दरअसल जी, थोड़ा समय दीजिएगा। पूरे उसमें मसले को पूरे इम्पैक्ट में समझने को तैयार ही नहीं है। हर आदमी का अपना एंगल है। हाफिज सरवर गुलाम साहब जो बैठे हैं, वो बता दें किसी वक्त संपत्ति को बचाने के लिए क्या उन्होंने कोई संघर्ष किया? क्या आजम साहब एक बात बोलो, लेक्चर तो दे रहे हैं आजम साहब, एक बात बोलो, उनके आपको मेरी बात बहुत चुभ जाएगी, मेरी बात बहुत चुभ जाएगी गुलाम सरवर साहब, लेकिन सुनिए आजम साहब, बहुत चुभेगी आपको मेरी बात, भले ही ये मामला अलग हो, लेकिन आप ही के नाम के साहब के पास संपत्तियां कितनी और कहां से आई और कैसे कैसे कब्जाई गई, वो मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल यही चाहते हैं आप। जौहर विश्वविद्यालय खोलने के लिए जो भी वैधानिक जरूरतें थी उसको पूरा कर, और ये बात अदालत को समझ में नहीं आई जो आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय खोलने थे, ये भी एक राजनीतिक द्वेष है जो भाजपा, राजनीतिक द्वेष है कि राजनीतिक फायदे के लिए प्रोपोगंडा फिर से सेट करने की कोशिश है आजम साहब, ये मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है। बोलिएगा गुलाम सरवर जल्दी। आज मैं आईटीओ पर एक ठंडा पी रहा था किसी दुकान में, उस दुकानदार ने कहा कि मैं YouTube और वीडियो आपके देखता हूँ, आप किसी दल में क्यों नहीं चले जाते हैं, इतना अच्छा आप बोलते हैं, वगैरह वगैरह, अपनी तारीफ मैंने कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जिस दल में चला जाऊंगा उस दल का गुलाम हो जाऊंगा। आजम साहब बुरा नहीं मानेंगे, हाफिज गुलाम सरवर मेरा नाम है,
फिर से सर्च कर लेंगे, दिल्ली की धरती पे हमसे ज्यादा धरना प्रदर्शन करने वाला कोई चेहरा ही नहीं है जो जंतर मंतर मंडी हाउस सुप्रीम कोर्ट और तमाम तो मुद्दे और पर माफ करेंगे आदम साहब, आप चूके पार्टी के नेता हैं और आपके नाम के जो दूसरे नेता बड़े साहब जो अभी जेल में है उनके घर भी गया हूँ और उनके उनका सर्वे भी किया हूँ, जवाहर यूनिवर्सिटी का भी कच्चा सवाल आपसे है और उसके हाल उतरने की कोशिश किया हूँ, समाजवादी पार्टी के लोग ही आ जाते हैं अभी, इसलिए ये पुष्टि करो कि जो राजनीति आप छोड़े जो भाजपा की छोड़िए आप परिक्रमा कीजिए अल्लाह के रास्ते मुसलमान को बख्श दीजिए, अगर कोई भी सरकार मुसलमान के लिए कोई निर्णय लेती है उसे लेने दीजिए, आपत्तियां जब सामने आई आप बताइए परफेक्ट हम लोग देंगे सरकार को, हम देंगे सारे लोग देंगे, आप अखिलेश जी की पॉलिसी पर आगे बढ़िए। नहीं और उसमें भी नहीं नहीं और उसमें भी उसमें भी उसमें भी गुलाम सरवर साहब आजम साहब सुनिए, उसमें भी लगातार आज किरण रिजिजू ने इस बात का जिक्र किया कि कल देर रात मेरी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, क्या उन्होंने बोहरा समुदाय के केस का जिक्र नहीं किया, तिरुचिरापल्ली के केस का जिक्र नहीं किया, किस तरीके से आदमी अपनी जमीन बेचने जाता है और उसको अचानक से पता चलता है कि अरे ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, मतलब अपनी जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब हो गई, अल्लाह के नाम दी नहीं, अल्लाह के नाम दी नहीं उस आदमी ने, लेकिन वो जमीन हो गई वक्फ बोर्ड की, कैसे हो गई साहब उस आदमी को खुद नहीं पता, ट्रिब्यूनल का चक्कर काटता रहे काटता रहे काटता रहे, उम्र बीत जाए लेकिन उसकी जमीन उसको वापस नहीं मिलेगी। नंबर के साथ बताया है कि वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो पूरी तरह से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का वाकया मैंने टीवी चैनल पर बताया, वक्फ नंबर के साथ घटना बताया, लखनऊ की घटना बताया, अगर मैं भाग दौड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर मीडिएट नहीं कर रहा हूँ तो ये घटनाएं हमारे पास कैसे आ रही है, सारे फाइल हमारे पास है और खुला लूट जो हो रहा है, ये लूट की छूट किसने दी, लूट की छूट किसने दी, ये सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का तुष्टीकरण करके मुट्ठी भर मुसलमानों को लाभ दिया गया, मुट्ठी भर मुसलमानों को लाभ दिया गया, ये लाभ गरीब मुसलमानों को मिल रहा था, वक्त का उद्देश्य है गरीब यतीम बेवा जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके लिए है और हो रहा है क्या वैसा जी, ये गरीब लोग जो है असल में हो नहीं पा रहा ना, सेक्शन ने इसका फायदा ले लिया और सब लोग खामोश, और फिर कहते हैं कि 14 और 19 के खिलाफ है वक्फ एक्ट के, फिर उसके बाद उसका हवाला देते हैं, लेकिन जो उसका असली मायना था जो उसके गठन का आधार था आपने उसको तो पूरी तरह से सिफर कर दिया ना, वो हो ही नहीं पाया। बहरहाल प्रभात रंजन जी के पास मैं आऊंगा, आदिल हसन साहब पट्टी पर आप बात कर रहे हैं, हम इनक्रोचमेंट है सरकार की नियत है तो एक एसआईटी बना दे सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के तहत बना दे, जो भी इनक्रोचमेंट छुटा दे, जो भी गलत किया भ्रष्टाचारी को जेल भेज दे, इतनी मोदी सरकार को मोहब्बत है मुसलमानों से तो हज कमेटी में जो भ्रष्टाचार है उसकी सीबीआई जांच करा दे, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो क्लास वन से शुरू होनी चाहिए वो 9-10 से उसको शुरू करा दे क्लास वन से, और अंटीलिया जो मुकेश अंबानी कब्जा किए वो दिलवा दे, भाई इनके तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मोदी जी शादी में जाते हैं पूरा गले लगते हैं, अगर मुसलमानों का बजट बढ़ा दे जामिया का और अलीगढ़ का बीएचयू की तरह बजट बढ़ा दे, सिर्फ दिखावा क्यों करते हैं पार्लियामेंट में, जब एक जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में बुद्धिस्ट एंडोमेंट बोर्ड में सिख एंडोमेंट बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग नहीं रह सकते तो विभव कोर्ट में हम नॉन मुस्लिम है क्यों ला रहे हैं, ये आप फसाद कराना चाहते हैं, आपकी समस्या क्या है इससे हसन साहब, एग्जैक्ट समस्या बताइए मुझे। आप सुनिए नमाज पढ़ने का तरीका, मैडम आप एंकर हैं, आप जर्नलिज्म में एक्सपर्ट है, अब कोई आदमी कोई पेंटर को ला दिया जाएगा तो वो पेंटिंग करेगा ना, जर्नलिज्म नहीं ना कर सकता है, जिसकी जो संपत्ति है वही संपत्ति चलाएगा, जबरदस्ती दूसरे को क्यों लाया जा रहा है, ये आप बताइए। तो ये आपने तय कर लिया कि सारी संपत्ति उन्हीं लोगों की है, मैडम ये संपत्ति सरकारी होती है ये किसी के पिताजी की नहीं है, लेकिन रहती तो अंडर कंट्रोल वक्फ बोर्ड के है ना, अंडर कंट्रोल किसके रहती है, वक्फ बोर्ड अंडर कंट्रोल किसके रहती है, अंडर कंट्रोल किसके रहती है, तो उसकी मॉनिटरिंग अगर अधिकारी लेवल का आदमी करेगा तो क्या समस्या है। मैम अधिकारी पहले भी यह रहता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर सीईओ रहता है, कोई क्लर्क नहीं रहता है, तो नहीं आपको मैंने आपसे पूछा कि एग्जैक्ट समस्या किस बात की है, आप इसमें गैर मुस्लिम कोई शामिल हो जाएगा तो आपको इस बात से समस्या है, मुस्लिमों के अधिकार छिन जाएंगे, वक्फ बोर्ड का जो सोल राइट है हर एक डिसीजन पर वो छिन जाएगा क्योंकि कोई ऊपर बैठा देख रहा है, इससे समस्या, ये मनमानी नहीं कर पाएंगे आप, सबसे बड़ी समस्या इस बात से। सुनिए पूर्णिमा जी, चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुपरविजन में आप इसका
इंक्रोचमेंट की जांच करवा लीजिए, करप्शन की जांच करा लीजिए, हम उसका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन आप ऐसा कानून मत लाइए जिसमें आप सिर्फ फंसाने वाला, फसाद कराने वाला कर रहे हैं। आप चीफ जस्टिस से करवाइए ना जांच, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं लाइए जिसमें फसाद हो, जिसमें लड़ाई हो, जिसमें जबरदस्ती लोग कंफ्यूजन पैदा करें। रंजन जी, ये कौन सा फसाद सरकार खड़ा कर रही है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रही है? इनसे पूछिए कि बिहार में वक्फ बोर्ड को चेयरमैन को राज्यमंत्री का दर्जा क्यों नहीं मिला, पूछिए। ठीक है, जवाब देने दीजिए। क्योंकि क्योंकि आगा बोरा बोरा जो संप्रदाय के लोग है वह इसके विरोध में है, कह रहे हैं कि यह जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है हम लोगों के साथ न्याय नहीं करती, हमारे जमीनों पे वह कब्जा करती है और कहती है कि यह जमीन जो है वह वक्फ बोर्ड की जमीन है, ना इसे आप बेच सकते हैं, ना इसके ऊपर आप अपना कोई संस्थान खड़ा कर सकते हैं। यह जो संशोधन लाया गया है आगा खान जब कल के लिए भी लाया जाता है, उनकी भी भरपूर शिकायत है। बिहार का बताइए ना, बिहार में चेयरमैन को राज्यमंत्री का दर्जा क्यों नहीं मिला? भाई आपको मंत्री बनना है या लोगों के साथ न्याय करना है, पहले ये बता दीजिए। हिंदू न्याय बोर्ड को मिला और बिहार में वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं मिला? नीतीश कुमार ने क्यों नहीं दिया? बताइए क्या उन गरीब ने क्यों ना इंसाफी की है? आदिल साहब, फिर जब जांच होगी ना तो पूरे आपके हैदराबाद में जमीनें किस किस के पास हैं, कितनी कितनी जमीन है, हम हैदराबाद में हम तैयार हैं सब जांच के लिए। फिर जांच में फिर वो भी बात सामने आएगी मैम, हैदराबाद में जांच में फिर वो भी बात सामने आएगी। औने पौने दाम में जमीनें बेच देना, उसका प्रॉफिट अपनी जेब में डाल लेना, ये सब कुछ क्या अनियमितताएं नहीं हुई? और मैं कह रही हूँ कि क्यों आप कहते हैं कि बाद में कार्रवाई करें ना, गिरफ्तार करें क्या? अरे उससे पहले क्यों ये सब अनियमितताएं हुई? इस्लाम में हराम होने के बावजूद वो बेजा पैसा अपनी जेब में क्यों डाला गया? उसका जहां पर इस्तेमाल होना चाहिए वहां पर क्यों नहीं हुआ? सिर्फ 200 करोड़ की इनकम क्यों है, इतनी लाख संपत्ति होने के बावजूद? ये लोग अपने ऊपर अंकुश नहीं रखना चाह रहे, चाह रहे कि सरकारी नियंत्रण किसी भी तरीका से ना रहे, क्योंकि आप देखेंगे पहले भी जब इनका बोर्ड ट्रिब्यूनल अगर कोई फैसला दे दे उसपे ना तो हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट अपना कोई बनाता है, कोई गलत नहीं है, लोग वहां भी नहीं जा पाते, नहीं जा सकते, या इस ट्रिब्यूनल का तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखा गया वही देखा गया। सच्चर कमेटी ने साफ साफ कही हजारों करोड़ एकड़ का जमीन, हजारों करोड़ का जमीन बोर्ड के पास है, अगर वह चाहे तो मुस्लिम संप्रदाय का पूरी तरह से गरीबी दूर किया जा सकता है। ठीक है, ना तो यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली रखेंगे जवाब, अंतिम के मेरे पास सर 3-4 मिनट बाकी है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं सबसे एक एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके पास आते हुए आप ये सोचिए कि इसमें तो अधिकारों को बढ़ावा दिया जाना है ना, किसी के अधिकार छीने थोड़ी जा रहे हैं। पहले किसी भी तरीके की अगर कोई आपत्ति होती थी तो सिर्फ आप ट्रिब्यूनल जा सकते थे, अब तो अच्छी बात यह कि आप रेवेन्यू कोर्ट जा सकते हैं, आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो बदलाव किए जा रहे हैं वो तो फैसलों को बढ़ाने वाले बदलाव है ना, वेलकम कर लीजिए सर, या सिर्फ मोदी सरकार लेकर आई है इसीलिए विरोध कर देना है और ये कहना है कि मुसलमानों को डरा रही है सरकार? देखिए पूर्णिमा जी, आपकी बात का जवाब इस बात से आता है कि भाजपा को जो बिल लेके आ रही है उसके अंदर सर्चर कमेटी वाली रिपोर्ट की बात आ रही है। हाँ। यानी माने ये हुआ कि भाजपा जो बिल पेश करने जा रही है वो कांग्रेस का बिल है, वो भाजपा का बिल नहीं है। और भाजपा का अगर बिल होता तो भाजपा के सांसद जिन प्रवृत्ति के साथ सदन के अंदर बैठ के एक सांसद के प्रति भावना रखते हैं वो तो उनका मुस्लिम प्रेम जग जागीत है जिकता है। अब पहले तो ये डिसाइड कर लें भाजपा के नेता प्रवक्ता कि ये बिल वो ला रहे हैं या वो कांग्रेस के द्वारा संशोधन करे हुए बिल को लेके आ रहे हैं, पहले तो करेक्ट कर लें ये ऊपर से नीचे तक, क्योंकि ये अभी तक करेक्ट नहीं कर पाए हैं कि ये बिल हम लेके आ रहे हैं, मोदी जी लेके आ रहे हैं। इनको अभी लगता तो ये कहना चाहते हैं समझ नहीं पाए, तय नहीं कर पाए। मैं तो समझ गया हूँ, तभी तो मैंने जवाब बोला ना, इसी में उलझे रही है, इसी में उलझे रही है। नहीं, मैं उनके पास जाऊंगी तो वो भी बोलेंगे और वो बहुत लेट कनेक्ट हुए, गोस्वामी जी को बोलने नहीं दे रहे साहब, इसीलिए शुरुआत आपसे की थी, उनके पास मैं जाऊंगी तो वो बोलेंगे। प्रमोद जी जवाब दे दीजिए जरा, प्रमोद जी जवाब दे दीजिए इनके काउंटर का क्विकली। आप देखिए ये जो संशोधन है ये इसकी मांग जो है वो मुस्लिम समुदाय के बीच से उठी थी, बोरा कमेटी जो है उन्होंने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। बाकी हमारे जो कांग्रेस के मित्र है वो कह रहे थे कि
सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके जो सिफारिश है उसको इसमें अमल में लाया जाए। तो अगर सच्चर कमेटी की सिफारिश को अमल में लिया जा रहा है और सच्चर कमेटी आप ही ने गठित की थी तो आपको इसका समर्थन करना चाहिए। ठीक है, फिर आप खुल करके बोलिए। हाँ, ये तो आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आप उस नीति पे जा रहे हैं या अपनी नीति लेके आ रहे हैं। आप सदन के अंदर एक चुने हुए नुमाइंदे को आपको करनी थी, आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आपके सांसद और वहीं आप वोट के अंदर ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के प्रति मुसलमानों को उठाने के लिए वक्फ बोर्ड के नियम को चेंज कर रहे हैं। तो विभाजनकारी नीति और ध्रुवीकरण की नीति तो भाजपा राजनीति किस तरीके से कब से हो रही है आपको मैं आपको एक आंकड़ा देती हूँ। जल्दी से रिपोर्ट की चिंता करिए बॉस। मैं आपको चंद्रमोहन जी बताऊं, जितनी संपत्तियां वक्फ को दान की गई उसमें पिछले 30 से 40 सालों में सर बहुत गिरावट दर्ज हुई है। सर पिछले 30 से 40 सालों में बहुत गिरावट दर्ज हुई है। क्यों ऐसा हो गया कि अल्लाह के नाम पर जो लोग जमीन को दान दे देते थे अब उनकी संख्या ना के बराबर हो गई है, बहुत कम हो गया। क्यों 10 साल लग गए इनको इसी बात के ऊपर? अरे ले आए ना, तीसरी बार सरकार ने इन्होंने ही बना ली, जो लेकर आते हैं आप उसका विरोध करते हैं। जो किसी के पास जा रही है उसमें आप खुश नहीं हैं कि एक चुने हुए सांसद को एक चुना हुआ सांसद भरी सदन के अंदर पानी चप कह रहा है। गुलाम सरवर साहब एक क्लोजिंग कमेंट आपसे। चंद्रमोहन जी, क्या विपक्ष कोई बेहतर सलाह नहीं दे सकता है, केवल विरोध ही कर सकता है? अगर आपके पास कोई ड्राफ्ट है कमेटी के अंदर, मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास कोई ड्राफ्ट की चर्चा पेश कीजिए, आप तो जेपीसी में आपको भी मौका मिलेगा ना, तो आप तो उसमें बात रखिएगा कि जो जिन बिंदुओं की ओर आदिल साहब ने इशारा किया है आप उस बिंदु को उठाइए ना। अच्छा, देखना चाहते क्या आजम साहब की बात 30 सेकंड सुनूंगी मैं। आजम साहब जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात। रिजर्वेशन देने जा रही है, सचर कमेटी ने कहा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए उनके उत्थान के लिए। तो पूछ लीजिए कांग्रेस से 10 अगस्त 1950 को इन्होंने क्या खेल खेला था। सुनिए क्या भाषा आर्टिकल 341 पर इन्होंने अभी साथी है ना, नहीं पूछ पाएंगे, अभी साथी है नहीं पूछ पाएंगे, बाध्यता है कि साथी बन गए हैं लोग। 341 पर रिलीजियस बैन लगाने का काम 10 अगस्त 1950 को कांग्रेस ने किया था सर। ठीक है आजम साहब, ठीक है सर, मेरे पास समय बहुत कम है। हर्ष जल्दी से आपसे एक 30 सेकंड का क्लोजिंग कमेंट लूंगी। अधिकारों के लिहाज से और केसेस के लिहाज से ट्रिब्यूनल के अलावा सिविल कोर्ट हाई कोर्ट जाने की जो अब अधिकार इसमें बढ़ते हुए नजर आई, ये एक तरीके से बेहतर कदम है, क्योंकि ये समझ ही नहीं आता आदमी को कि ट्रिब्यूनल से अगर रिजेक्ट हो गया और उनके हक में फैसला नहीं आया तो आप कहीं अपील नहीं कर सकते थे। तो ये तो बहुत अच्छा स्टैंड उसमें लिया गया है, शामिल किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा वेलकम स्टेप है पूर्णिमा जी, और इसका मुस्लिम समाज को भी, हिंदू समाज को भी, सभी समाजों को इसका बहुत ही एक वेलकम करना चाहिए कि ऐसा इसमें अमेंडमेंट लेके आया जा रहा है। और इससे सबसे ज्यादा मुसलमानों के गरीब तबके को फायदा होगा कि इस पे जो ओवरसाइट आएगी, जो इसका सही तरीके से संचालन होगा, जो एक सिर्फ ये अब ये एक पावरफुल और पावरलेस की एक संघर्ष है कि कुछ पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड को कैप्चर जो किया हुआ था, अब इसमें सभी समाजों की, मुसलमान के सभी समाजों की प्रतिनिधित्व होगा और गरीबों तक उसका जन कल्याण पहुंचेगा। दो गैर मुस्लिम भी होंगे साहब, दो महिलाएं भी इसमें शामिल रहेंगी।